दोस्तों, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और इंटरनेट की पावर को बढ़ाने के लिए और उन्हें एडवांस करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक जावा के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जावा एक जनरल पर्पस क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जिसके बेस पर डेटा और फंक्शंस बनाए गए होते हैं। जावा लैंग्वेज एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ये लैंग्वेज तेज, सुरक्षित और रिलायबल है। इसका उपयोग लैपटॉप, डेटा सेंटर्स, गेम कंसोल्स, साइंटिफिक सुपर कंप्यूटर्स, सेलफोन, इनमें जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए किया जाता है। जावा प्लेटफॉर्म जावा प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है, जो प्रोग्रामर्स को जावा एप्लीकेशंस आसानी से डेवलप और रन करने में मदद करता है। इसके अंदर एक एग्जीक्यूशन इंजन, एक कंपाइलर और लाइब्रेरीज का एक सेट मौजूद है। लाइब्रेरीज मतलब जावा के प्री डिफाइंड क्लासेस का एक सेट होता है। जावा प्लेटफॉर्म कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिकेशंस का एक सेट है। जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रोसिस्टम्स के अंदर जावा लैंग्वेज को डेवलप किया था। सन माइक्रोसिस्टम कंपनी को बाद में ओरेकल कॉर्पोरेशन ने 2010 में एक्वायर किया। जावा एक मल्टी प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और नेटवर्क सेंट्रिक लैंग्वेज है। ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। जावा को एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर भी यूज किया जाता है। अब जानते हैं जावा लैंग्वेज कहाँ पे यूज होती है। जावा एंड्रॉइड एप्स डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्रिएशन, मोबाइल एप्लीकेशंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, साथ ही हार्डवेयर डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग और सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज में यूज की जाती है। जावा की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जावा लैंग्वेज का पहला नाम ओक था। इसे पहले पोर्टेबल उपकरणों और सेट टॉप बॉक्स को संभालने के लिए डेवलप किया था। 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स ने नाम बदल करके जावा रख दिया और फिर उसे मॉडिफाई किया ताकि वर्ल्ड वाइड वेब डेवलपमेंट बिजनेस का फायदा उठाया जा सके। बाद में 2009 में ओरेकल कॉर्पोरेशन ने सन माइक्रोसिस्टम्स को एक्वायर कर लिया और जावा, MySQL और सोलरिस की ओनरशिप ले ली। अब बात करते हैं जावा लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में। जावा सीखने के लिए आसान लैंग्वेजेस में से एक है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। एक बार कोड लिखने के बाद आप किसी भी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर इसे चला सकते हैं। इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए बनाया गया था। जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, जिसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। मल्टी थ्रेडेड मतलब आप जावा में एक ही बार में मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। जावा सिक्योर और पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मनी ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन, जिन्हें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, ऐसे एप्लीकेशन ज्यादातर जावा में ही डेवलप किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था जावा की शॉर्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट वन। सेकंड पार्ट में मैं आपको जावा के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम जावा डेवलपमेंट किट, जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और जावा के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।